माँ योगिनी मंदिर झारखंड में गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड में स्थित है। यह जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर बारकोट में स्थित है। माँ योगिनी का यह प्राचीन मंदिर तंत्र साधकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार पत्नी सती के अपमान से क्रोधित होकर भगवान शिव जब उनका जलता हुआ शरीर लेकर तांडव करने लगे थे, तो संसार को विध्वंस से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शव के कई टुकड़े कर दिए थे। इसी क्रम में उनकी बाई जांग यहां गिरी थी, लेकिन इस सिद्धि स्थल को गुप्त रखा गया था। विद्वानों का कहना है कि हमारे पुराणों में 51 सिद्ध पीठ का वर्णन है, लेकिन योगिनी पुराण में सिद्ध पीठों की संख्या 52 बताई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जंगलों के बीच स्थित यह मंदिर तंत्र साधना के मामले में कामाख्या के समकक्ष है। दोनों मंदिरों में पूजा की प्रथा एक समान है। दोनों मंदिरों में 3 दरवाजे हैं। योगिनी स्थान और कामाख्या दोनों जगह पिंड की ही पूजा होती है। माँ योगिनी मंदिर गर्भ गृह के अंदर जाने के लिए एक गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। बाहर से गुफा के सांकरे द्वार और अंदर चारों तरफ नुकीली पत्थरों को देखकर लोग गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन माँ के आशीर्वाद से मोटा व्यक्ति भी इसमें जाकर आसानी से निकल जाता है। मंदिर के सामने एक वट वृक्ष है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस वट वृक्ष पर बैठकर साधक साधना किया करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे। माँ योगिनी मंदिर के ठीक दाहिनी ओर पहाड़ी पर मनोकामना मंदिर है। जो लोग माँ योगिनी के दर्शन के लिए आते हैं, वो मनोकामना मंदिर जाना नहीं भूलते हैं। माँ योगिनी स्थान जाने के लिए यातायात के साधनों की बात करें तो यह सड़क मार्ग द्वारा यह जिला मुख्यालय गोड्डा से 15 किलोमीटर की दूरी पर जसीडीह देवघर राज्य राजमार्ग पर स्थित है। रेल मार्ग द्वारा यह योगिनी मंदिर से नजदीकी रेलवे स्टेशन हसडीहा रेलवे स्टेशन 50 किलोमीटर दूर है।